नमस्कार, वी एक्सपर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ खुशरंगीना। दोस्तों, हमारा शरीर जो है वो पांच तत्वों से मिलकर बना है। उन्हीं पांच तत्वों के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा हो या सकारात्मक ऊर्जा। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जहां नकारात्मक ऊर्जा होती है उसके लिए कई निचोड़ भी निकाले जाते हैं। जैसे ये मान्यता है, चाहे हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म की बात अगर हम करें, तो काला धागा हो, काला चीज हो, काला टीका हो, किसी भी काले रंग का अगर आप अपने शरीर पर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर चली जाती है, क्योंकि वो पांच तत्व के कारण जो सकारात्मक ऊर्जा आपके पास आती है वो आपके पास आसानी से पहुंच सकती है अगर आप किसी तरह के काले चीज का यूज करें। तो इन्हीं कारण अक्सर आप देख सकते हैं कि कहीं कोई अपने पैरों में काला धागा बांधता है, कोई गले में काला धागा बांधता है, कहीं कहीं तो काले धागे में भगवान की कोई चीज चाहे तावीज आप कह लीजिए या कोई भी चीज ऐसे गले में डाला जाता है, धारण किया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि उनको काला टीका लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है? इसका मेन कारण, साइंटिफिक रीजन भी ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपको किसी की बुरी नजर लग रही है, यानी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ रही है जिससे आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो आप अगर उस काली चीज का यूज करते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी वो आपके काफी करीब आती है। तो इसका जो मेन कारण है वो खासकर भारत में ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि भारत जो है वो सांस्कृतिक देश है। यहाँ पर सभी प्रकार के संस्कृति को ऑब्जर्व किया जाता है और यहाँ पर काली चीजों को बहुत ही अहम माना जाता है। इसी कारण अब जो है ज्यादातर लोगों में देखेंगे कि वो कोई ना कोई काली चीज जरूर धारण करते हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी काला कपड़ा पहनते हैं या काली चीज धारण करते हैं, तो इससे नेगेटिव ऊर्जा जो है वो दूर होती है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसको प्रमाणित हमारा चैनल वी एक्सपर्ट न्यूज नहीं करता, ये लोगों की मान्यता है। अगर आपको इसी तरह की न्यूज पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। धन्यवाद।